रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ। जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग के मैच के प्रारंभ के पूर्व उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उद्घाटन मैच वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब और उमेश एकादश फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। दोनों टीमें टक्कर की थी और मैच को उमेश एकादश ने 1-0 से जीता। मैच के निर्णायक मेहताब अहमद, ओपी गौड़, रतन सिंह, सगीर अहमद रहे। उद्घाटन समारोह में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर संयोजक लघु उद्योग उमेश अग्रहरी, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष रणविजय शाही, हर्ष श्रीवास्तव, रजत गुप्ता, शुभम अग्रहरी, कर्मवीर सिंह, राहुल श्रीवास्तव, शिवम राय, इंद्रमणि उपाध्याय, धीरज सिंह, हरीश राहुल चौबे, विष्णु शंकर श्रीवास्तव, निखिल मोटानी, सतेंद्र सिन्हा, जितेंद्र बहादुर चंद, पूर्व मेयर सत्या पांडे, गिरिजेश गुप्ता, सुनीता अग्रहरी, श्वेता श्रीवास्तव, जिला फुटबॉल सचिव हमजा खान, एमपी गौड़, गौतम सरकार, अमिता गुप्ता, सूरज छेत्री आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, राजेश पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी स्वागत करते हैं, जो व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, रुचि कोरी जी भी उपस्थित है। हम महेंद्र से अनुरोध करेंगे, स्टेडियम में मंदिर पीछे जा थोड़ा सा। टॉप टू टीमें वैलेंटाइन एफसी दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। फुटबॉल में भी यह खिलाड़ी आगे बढ़े, गोरखपुर के नाम रोशन करें। मैं समझता हूं कि निश्चित ही गोरखपुर पहले भी खेल के मामले में आगे रहा है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो हॉकी का हो। इसको प्रोत्साहित करने के लिए गोरखपुर के वासियों से आग्रह करेंगे कि उनको प्रोत्साहन दें, कार्यक्रम में यहाँ आकर के उनके मनोबल को बढ़ाएं, खेल को देखें और उनके माध्यम से यह खेल बढ़े। मैं एक बार पूरा पार्टी वेलफेयर सोसाइटी को जो है
इसके लिए शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आमिर खान है अभी तो टीमों से परिचय प्राप्त किए हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल के तर्ज पर ही फुटबॉल के टूर्नामेंट को यहां पर लोगों ने शुरू किया है और फर्स्ट प्राइज तक 2 लाख रुपए तक का रखा है। 3 या 4 टीमें हैं, 4 टीमों में से 3 टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहेंगी। गोरखपुर पहले से भी फुटबॉल के मामले में काफ़ी सराहनीय खिलाड़ियों का क्षेत्र रहा है, यह आगे और बढ़ रहा है, मुझे इसकी प्रसन्नता है। मैं समझता हूं कि हॉकी और ये फुटबॉल, ये दोनों गोरखपुर की प्रमुख पसंद बने, यही शुभकामना है। क्या कहेंगे बाकी युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे खेल मैच? निकट हो रहा हूँ कि सबको मैं शुभकामना इस बात को देता हूँ कि हॉकी और फुटबॉल ये दो जो भारतीय पूरी तौर पर वो हैं, उसमें सभी लोग लगें और इसका प्रचार प्रसार करें।